नमस्कार जी, आज हम एस राजा कर यहाँ पीछे काटर वाली सेट को सेट करके लगाना है, थोड़ा हैमर से दबा के लगेगी। ये देखिए लीवर को दबाएंगे, ये काम करेगा, गरारी ऊपर उठेगी। ये सही काम कर रहा है। अब ठीक है, अगला फिट करेंगे। यहाँ से पीछे पीटो वाला कप ठोक लेना है। ये कप ठोक लेना है बैंक कप। इसके बाद ये गरारी लगानी है इस कप की। इसको भी शावर को अंदर में बैठा देना है। ठीक है जी, इसे यहाँ पे ये चेक नट हो गया, लॉक लगेगा। ये कार्नर लॉक होता है, कार्नर लॉक के बाद ये चेक नट लगेगा। अब इस चेक नट को टाइट कर लेना है। लॉक को टाइट होने के बाद इस किंगरी को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। लॉक टाइट हो गया है, अब ये खुलेगा नहीं। यहाँ पे ये पिन भी लगा लेनी है, यहाँ डब, ये डब दबा देनी है, टाइट हो जाएगी। उसके ऊपर ये बोलेट टाइट कर देना है, वाशर लगा बोलेट को टाइट कर देना है। अब ये गियर वाला फोर्क डलेगा वो लास्ट वाले सुराख में, ये लास्ट वाले सुराख में ये गियर वाला फोर्क डलेगा। ठीक है, ये हम बाहर नट आ जाएगा जिसपे गियर लीवर लगेगा। हाँ जी, लो यहाँ पर पीटीओ वाला बैरिंग लगा लेना पहले। ये अंदर चला जाएगा, अभी फिट हो गया है। अब यहाँ पे पीटीओ लगाएंगे, ये शाफ्ट लगेगी। इस गियर के लॉक में ये जाके टक्कर लगेगी गियर डालने में, गियर शिफ्टर में। ये गियर शिफ्टर में यहाँ से लॉक इसके टच होगा बुश में, ये बुश में इससे से गियर डलेगा। अब ये इसमें डल चुका है, हम इसे शाफ्ट को अंदर तक खेल देंगे। अब शाफ्ट पूरी फिट हो गई है, ये गियर भी डल गया है, शाफ्ट भी फिट हो गई है। इस तरह
तरह ये बैरिंग लगने के बाद ये प्लेट लगानी है। प्लेट पूरा फेस प्लेट देगा। अगर सील कटी हुई है तो सील यहाँ पे नहीं यूज करनी है। अब बुश लग जाए ना इसमें। सही तरीके से फिट हो जाएगा। उसके बाद इसमें ये लॉक लगेगा ताकि चेक नट खुले ना। ऊपर से ये चेक नट कर देना है। प्लेट के चारों ओर गोल्ड बुलेट लगा रहे हैं। पूरा टाइट कर लेना है ताकि प्लेट नीचे बैठ जाए। इस चेक नट को पूरा इस तरीके से आठ लगाकर पूरा टाइट कर लेना है। सही है। टाइट होने के बाद लॉक को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है ताकि चेक नट खुले ना। लॉक हो चुकी है, चेक नट इससे खुलेगा नहीं। इसके ऊपर सीटे बुश लगाना है, उसकी काटर लगा देनी है। सीटे बुश और काटर लगा लेनी है। पीटीओ का नट है, लगा के टाइट कर लेंगे। उसके बाद इसका पीटीओ होल्डर कैप लगाना है। होल्डर कैप के नट लगा लेने हैं दोनों। टाइट कर लेंगे होल्डर का। इस तरह से पीटीओ कैप फिट हो जाएगा। यहाँ पे बंद प्लेट लगेगी आयल लीकेज रोकने के लिए। अगर यहाँ से भी गियर ऑयल लीक कर रहा है तो यहाँ पे एनाबोंड लगेगी। एनाबोंड लगा के तो लीकेज हट जाएगी। ये क्लच वाला लीवर डाल लेना है यहाँ से। अंदर ये फोर्क लगेगा क्लच के लिए। ये क्लच फिट हो जाएगा। इसमें एक पिन लगी हुई है, वो सुराख में पिन डलेगी क्लच के लिए, उसे रोकने के लिए। ध्यान से यहाँ से रोक के क्लच को तो ये पिन डलेगी। ये स्प्लिट पिन डाल के उसे फोल्ड कर देना है ताकि ये पिन बीच में से ना निकल सके।
डाल के चलाइए।